ये है माखी मूवी का मेकिंग एंड द बिहाइंड द सीन। एस एस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड ये मास्टरपीस मूवी तो आप जरूर देखा होगा, जहाँ पे लीड रोल में था सामंता रूट, नानी एंड किच्चा सुदीप। तो 2012 में रिलीज हुई इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ द 10, यानी ये मूवी काफी फेमस हुई थी। ये है मूवी के स्टार्टिंग सीन, जहाँ पे मूवी का विलेन इच्छा सुदीप गान शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं जो कैसे SS राजामौली सर मूवी का हर सीक्वेंस को अच्छी तरह से एक्टिंग करके दिखा रहा है मूवी के हीरोइन सामंता रूट एंड हीरो नानी को। मूवी के ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, ये ट्रक के साथ विलेन की कार का जो एक्सीडेंट वो एक्चुअल में रियल था, लेकिन सीन को बेहतर दिखाने के लिए कुछ ही हिस्सों में ये CG कार भी यूज हुआ था। नेक्स्ट सीन में विलेन एक मशीन की डब्बे में बॉडी स्मोक ले रहा था, जिसका BTS आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये एक माखी रिलेटेड मूवी है और इस मूवी को बनाने में काफी VFX एंड CGI की हेल्प लिया गया था। मूवी में जो माखी दिखाया वो सब CGI द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये CG माखी बनाने के लिए असली माखी की हेल्प भी लिया गया था। आप यहाँ देख सकते हो कैसे राजामौली सर ये असली माखी के साथ शूटिंग दिखा रहा है, जो आफ्टर शूटिंग विजुअली CG के रूप में दिखाया गया था। ये है मूवी के क्लाइमैक्स सीन, जो काफी डराने वाला सीक्वेंस है। यहाँ पे मूवी के सबसे ज्यादा VFX एंड CG यूज हुआ था। हर तरह की ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स को 3D मॉडल के रूप में क्रिएट किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि माखी मूवी के VFX सुपरवाइजर थे श्रीनिवास मोहन, जिन्होंने बाहुबली RRR जैसा मूवी में भी VFX सुपरवाइजर था। एंड माखी मूवी में VFX बनाया था मकुता विजुअल इफेक्ट्स, जो हैदराबाद की एक फेमस VFX स्टूडियोज हैं। तो SS राजामौली का इस ब्लॉकबस्टर मूवी आई होप आप जरूर देखा होगा, अदरवाइज आप ये मूवी YouTube पर देख सकते हो जो हिंदी में अवेलेबल है। एंड इसी तरह मूवी वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।